मोहब्बत ऐसी भी होती हैं जहां पर उन्हें मंजिल नहीं मिलती, मगर फिर भी वो प्यार ताउम्र दिल में रहता है। कई कहानियां ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, और उसके बाद जब उनका जिक्र किया जाता है तब हर एक शख्स ये सोचता है कि काश ये कहानी पूरी हो जाती, काश इन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाता। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। जिस कहानी और जिस अधूरेपन की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो कहानी है बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा और सदाबहार रेखा की, और यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं रेखा के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग बी कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन को लेकर। रेखा और अमिताभ की कहानी से यकीनन आप सभी वाकिफ होंगे। रेखा और अमिताभ ने एक दूजे से मोहब्बत की, मोहब्बत के बाद एक दूजे का साथ जन्मों जन्मों तक देने के वादे भी किए, मगर कहते हैं ना कि कई बारी हम जिस शख्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कई मजबूरियां उस शख्स के लिए हमें छोड़नी पड़ती है। कई हमारे जीवन में ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि हमें उस शख्स को ही छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रेखा और अमिताभ के साथ हुआ था। फिल्म सिलसिला तो आप सभी ने देखी होगी कि फिल्म सिलसिला में किस तरीके से जया, अमिताभ और रेखा इनकी कहानी को इस फिल्म के जरिए दिखाया गया, और कहीं ना कहीं कहा यही जाता है कि जो कहानी इस फिल्म में देखी आप सभी ने देखी है वो कहानी एकदम सच है। ऐसे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जया आती गई दोनों के बीच और जया ने अमिताभ और रेखा को पल भर में अलग कर दिया। हालांकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, मगर सिलसिला की कहानी के दौरान क्या कुछ हुआ था, सिलसिला फिल्म की शूटिंग के दौरान किस तरीके से जया और रेखा एक दूसरे से आमना सामना करती थी। हालांकि जया बेहतर तरीके से जानती थी कि रेखा और अमिताभ जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रेखा और अमिताभ जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, मगर परिवार की मजबूरियों के कारण अमिताभ ने छोड़ दिया था यहाँ पर रेखा का साथ। हम पूरी कहानी से आज आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से वक्त पर जब वक्त पड़ता जाता है तो कहानी में कई नए मोड़ भी आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ अमिताभ और रेखा के साथ हुआ, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि कुछ कहानियां हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों से किताबों में लिखी जाती हैं, भले ही वो मोहब्बत को मंजिल मिले या ना मिले, मगर वो मोहब्बत सदा याद आती है। हम यहाँ पर ये किस्सा शेयर कर रहे हैं अमिताभ और रेखा को लेकर। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी। दोनों की जोड़ी एक समय में सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी। फैंस थिएटर में सिर्फ इन्हें देखने के लिए जाते थे। अमिताभ और रेखा की बात करें तो दोनों की जिंदगी में नजदीकियों का सिलसिला दरअसल दूरियों से शुरू होता है। रेखा और अमिताभ की फिल्म ऐसी ही है जो लोगों की यादों में आज भी ताजा है, और कहीं ना कहीं ये फिल्म दोनों के अधूरे रिश्ते को बयां कर रही है। 1981 में आई फिल्म सिलसिला कुछ ऐसी ही थी। जी हाँ, इस फिल्म में कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा की असल कहानी को झलकाया गया था। 1981 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की ये 55 फिल्म थी। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में जो चीज़ें ज़रूरी थी सिलसिला में वो कुछ ज़्यादा ही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन में सिलसिला की कास्टिंग और फिल्म से जुड़ी कई बातें बताई हैं। कहते हैं अमिताभ के बारे में बताई एकमात्र अथॉरिटिक ये बायोग्राफी है। फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन की तिगड़ी काम कर रही थी, साथ में शशि कपूर और संजीव कुमार भी थे। अमिताभ जया से शादी कर चुके थे, लेकिन उनकी रेखा की नजदीकियों की खबरें हर दिन छपती थी। ऐसी कोई भी पत्रिका नहीं रही जो इन दोनों के अफेयर की खबरों को नहीं छापती हो। ये अफवाह भी फैली थी कि रेखा के कारण जया बच्चन परिवार में बेहद अशांति फैली है। शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा उस वक्त विलन बन चुकी थी। यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के लिए जावेद अख्तर ने पहली बार कोई फिल्मी गाना लिखा था, और ये गाना
बेहद ही ज्यादा खूबसूरत भी रहा। ये गाना खूब पसंद आया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, यकीनन ये गाना आप सभी को याद होगा। ये फिल्म की कहानी कही जाती है कि रेखा और अमिताभ और जया की असल कहानी पर है। अब ऐसे में दरअसल कहा तो ये भी जाता है कि रेखा को जया बच्चन ने अपने घर पे बुलाया था जब अमिताभ फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। जया ने अमिताभ का कमरा भी दिखाया और पूरा घर भी। रेखा और जया ने डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर भी किया। हालांकि कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई ये कहा जाता है, मगर दरवाजे तक पहुंचते जया रेखा को कुछ ऐसा कह देती हैं जिसके बाद उसे काली रात के बाद अमिताभ और रेखा की तकदीर बदल गई, राहें बदल गई। जया रेखा को कहती हैं कि वो अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी, जिससे रेखा समझ जाती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये जोड़ी अब बन चुकी है। और वो रात गई और आज का दिन आया जहां पर रेखा और अमिताभ की कहानी बस एक पन्नों में सिमट के रह गई। अमिताभ और रेखा ना तो एक दूसरे से कभी मिले और ना ही कभी उन्होंने एक दूसरे से बात भी की। दरअसल तमाम अवार्ड फंक्शन में, तमाम पार्टीज में दोनों की मुलाकात तो होती है, मगर बिल्कुल अजनबियों की तरह। कहते हैं ना कि किस्मत का कुछ नहीं पता। जिस शख्स से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहीं ऐसा पल भी आ जाता है, कई बारी ऐसा भी हो जाता है उस शख्स के साथ आपको अजनबियों जैसा व्यवहार करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी रही जो बेहद ही ज्यादा दर्द भरी है, क्योंकि जब कोई ये कहानी सुनता है तो हर किसी के जहन में बस यही आता है कि काश अमिताभ और रेखा एक हो जाते। देखा आपने, जिस कहानी से हमने यहाँ पर आप सभी को रूबरू करवाया, वो यकीनन ही कहानी को सुन के आप सभी हैरान हो गए होंगे। किस तरीके से जया अमिताभ और रेखा की जिंदगी में आई और उसे काली रात ने रेखा को अमिताभ से दूर कर दिया। कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, चाहे इंसान कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले। अमिताभ की जिंदगी में जया का आना तय था तो रेखा कैसी उनकी धर्म पत्नी बनती। हालांकि फैंस तो ये भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसा डायरेक्टर आ जाए जो रेखा और अमिताभ को एक बार फिर से एक फिल्म में लेकर आए। खैर ये आने वाला समय बताएगा कि क्या उनकी ये इच्छा पूरी होगी या फिर जिस तरीके से कहानी चल रही है ऐसे ही ये कहानी चलती रहेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।